ये है गोरख हिल स्टेशन के पहाड़। ये देखें आप, ये अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 8 बजने वाले हैं, 7:47। और ये आप व्यूज देखें यहाँ के, ये गोरख हिल स्टेशन है। ये इस वक्त जिसकी छत पे मैं खड़ा हूँ, ये अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल है यहाँ का। गोरख हिल स्टेशन आगे है, वो है गोरख हिल स्टेशन, जहाँ पर रेस्ट हाउस बने हुए हैं, कैंटीन बनी हुई है, सब कुछ है। और उसके ऊपर जो टावर लगा हुआ है, और वो है बेनजीर व्यू पॉइंट। यहाँ ये औताक बनी हुई है, डॉक्टर्स वगैरह के लिए बनाई है। तो यहाँ पर हम लोग रात को स्टे किया हमने। बाइक्स अंदर खड़ी हुई हैं सबकी, तमाम बाइक्स अंदर हैं, तो फुल सेफ्टी के साथ हर चीज़। अब बस यहाँ से निकलेंगे। ये रहा रास्ता, ये रास्ता जा रहा है ऊपर, वो कच्चा रास्ता है पूरा। रात को बड़ी मुश्किलों से आए थे, क्योंकि वॉशरूम यहाँ ऑपरेशनल नहीं है, वॉशरूम ऊपर ही जाना पड़ रहा है। तो इसलिए ये पूरा रास्ता ये कच्चा रास्ता है, फिर थोड़ा सा सही होके फिर थोड़ा सा कच्चा हो जाता है आगे से। तो ये पूरा रास्ता, वहाँ से हम निकलेंगे तो गोरख हिल स्टेशन है वो, और उसके भी हमें ऊपर चढ़ना है। तो देखते हैं, अभी सबको उठा कर आए, सब उठ जाए तो फिर देखते हैं क्या आगे का क्या सीन है। अच्छे व्यूज हैं, अच्छी सिक्योरिटी है, ये सब सो सो के उठ रहे हैं अभी। ये यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी है, चलें अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये थी हमारी स्टे की जगह, यहाँ हमने स्टे किया था। ये तमाम बाइक्स खड़ी हुई है, और सब तैयारी हो रही है निकलने की बेनजीर व्यू पॉइंट की तरफ। मिल गई ना, वो सब निकलता है यहाँ से। ये है रेस्ट हाउस यहाँ के, आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। पर रूम मेरे ख्याल से 12,000 रुपए चलता है। ये है बेनजीर व्यू पॉइंट। अख्तर भाई रुको, विक्ट्री का निशान नहीं है, गोरख पहुंच गए।
ये बाइक्स तैयार हैं सबकी निकलने के लिए, बस यहाँ से निकलते हैं। ब्रीफिंग दे दी है एडमिन्स ने कि उतारने के लिए थोड़ा सा ब्रेक का कम इस्तेमाल करना है, पहले गियर में उतारनी है गाड़ी, तो इसलिए जो है वो सब स्लो स्लो उतरेंगे। बस अब इनको अल्लाह हाफिज़ करते हैं जिन्होंने हमारा रहने का इंतज़ाम यहाँ पर VIP करवाया, कंबल प्रोवाइड किए, हर चीज़ खाने का सारा सेटअप। चलो लगाओ गाड़ियाँ लगाओ यहाँ पर। भाई पहले गियर में गाड़ी उतरेगी, ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करना और गैप दे के चलना, एक साथ कोई करीब करीब ना घुसना किसी के भी। सबसे आगे अली भाई होंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब निकलेंगे। आ जाओ डॉक्टर साहब। आ जाओ भाई। ये है यहाँ की चढ़ाई, अगर आप देख रहे हैं मेरा पुराने व्लॉग में भी ये सब मैंने दिखाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा GoPro की बैटरी साथ नहीं दे रही, चार्ज किया था लेकिन वो बैटरी शायद ख़राब हो गई है, इस वजह से वो ये रास्ता है और ये बाइक। बाकी इंतज़ार कर रहा हूँ, नीचे एक पहुँची हुई है, हर कट पे खड़े किए मैं ताकि आगे जो नए लोग हैं उनको परेशानी ना हो, तो अब ऊपर रह गए नए तो उनको उतारना है, तो बस उनका इंतज़ार हो रहा है, डबल में है वो सारे, इसलिए पैदल भी आ रहे हैं और बाइक भी ऊपर रुकी हुई है, बस उन्हें उतारते हैं। हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, बस 7 का रास्ता है ये, अली भाई को यहाँ पर अलविदा करेंगे। अली भाई ने बहुत अच्छे हमें खाने खिलाए और रहने की जगह अरेंज करवाई और रास्ते दिखाए, गाइड किया, तो हर चीज़ के लिए बस अली भाई का यहाँ से शुक्रिया अदा करते हैं, इनको अलविदा करते हैं यहाँ पे, इनको इनके भाई को। और यहाँ से बस अब हम निकलेंगे 7 की तरफ, 7 के मदार पर जाना है, बस वहाँ से होते हुए फिर हैदराबाद निकलेंगे, कुछ दोस्त निकल जाएंगे स्टेट, कुछ कराची के दोस्त हैं और कुछ हैदराबाद के, उन्हें थोड़ा जाना है तो वो निकल जाएंगे स्टेट, ये कराची से आए हैं इनको जाना है और ये गाड़ी कराची की है उन्हें जाना है, तो बस ये निकलेंगे स्टेट और बाकी दोस्त हैं वो 7 पर जाके वहाँ से मज़ार से होते हुए और उसके बाद हैदराबाद निकलेंगे, बस अलविदा करते हैं यहाँ पर तमाम दोस्तों को और निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं जामशोरो के करीब, बस 25 किलोमीटर में जामशोरो आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा स्टे किया है क्योंकि 1.5 घंटे से बाइकें चला रहे थे, सारे राइडर्स थक गए थे, तो थोड़ा सा बस एक स्टे किया है कि 5 मिनट थोड़ा स्टे करें, रेस्ट करें, उसके बाद निकलते हैं, तो बस निकल रहे हैं अब यहाँ से। ये हामिद भाई बहुत खुश हैं कि ये घर पहुँच रहे हैं, इसलिए खैर मुबारक सर, ईद मुबारक, खैर मुबारक सर, खैर मुबारक। ये हमारे
हामिद भाई बिल्कुल थक हार के चूर हो चुके हैं और भाई तभी ईद मुबारक कर रहे हैं ये थक हार के चूर हो चुके हैं इसलिए ये ईद मुबारक कर रहे हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। बस अब यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में। जी तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ से। ये तमाम एडमिन अफसर भाई भी हैं, आमिर भाई भी हैं, मैं भी हूँ यहाँ पर, और यहाँ से सबको अलविदा कहते हैं। राजू भाई और हामिद राजपूत भाई डॉक्टर्स अपने सबको अलविदा कहते हैं यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ट्रिप रहा है, बस अब यहाँ से अलविदा कहते हैं सबको और निकलते हैं फिर घर घर के लिए। 545 किलोमीटर गाड़ी चली है, थोड़ा सा बेटी हुआ रहा है। 545 किलोमीटर गाड़ी चली है अब तक और अब घर पहुँच रहे हैं सारे।